अमीजुद्दीन, तुम? तुम्हारे मुंह से आज भी अपना नाम सुनना गवारा नहीं है मुझे। इफ्रा कैसी है? वो खैरियत से तो है, वो बात क्यों नहीं करती वो मुझसे? तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हें इफ्रा की कोई बहुत ज्यादा फिक्र होगी। अच्छी खासी खुशबाश नजर आ रही हो, और हो भी क्यों ना, अपनी मनपसंद जिंदगी गुजार रही हो भाई। अमीजुद्दीन, मेरी बेटी कैसी? उसे तुम अपनी बेटी मत कहो, मुझसे भूल हुई थी जो मैंने उसे तुम्हारे पास छोड़ दिया। तुम जैसी आजाद ख्याल बेपर्दा औरत उसकी अच्छी तरबियत कर ही कैसे सकती थी? मुझे फखर है इफ्रा पर और अपनी तरबियत पर भी, और ये बात एक दिन तुम भी मानोगे अपनी हट धर्मी के बावजूद। तुम्हारी अकड़ खत्म नहीं हुई है अजरा बेगम, तुम जैसी मगरूर औरत आज भी अपनी शिकस्त मानने को तैयार नहीं है। तमीजुद्दीन, मेरी बात सुनो, मेरे सवाल का जवाब देते जाओ। मेरी बेटी कैसी है? बिल्कुल ठीक है, बहुत खुश है, अपने बाप के घर है, अपने सगे बाप के घर, सौतेले बाप के नहीं जो कम वक्त उसकी जायदाद हड़प कर गया खबीस। ये किसने कहा तुमसे? इफ्रा ने, और इसीलिए नफरत करती है वो तुमसे, तुमसे भी और तुम्हारे शौहर से भी। और अब जाओ, मैं मजीद कोई बात नहीं करना चाहता। मंजिल बेनिशान।